सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पॉपर राइडर। सो फाइनली टुडे आज मैं आया हूँ एक स्कूटर का व्लॉग करने के लिए, जिस स्कूटर की खासियत मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ इतनी क्वालिटीज़ है कि वो देख रहा हूँ मैं कि लोग उसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आराम से उससे ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं आती। स्कूटर के अंदर इतनी सारी खासियत है, उसकी माइलेज की बात की जाए तो एकदम गज़ब, 45 से 50 किलोमीटर की एवरेज वो देता है। बात करूँ तो उसकी जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो है भाई साहब, वो कंपनी गज़ब कंपनी है, क्योंकि पहली सुपर बाइक उस कंपनी की है जो ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड में चलती है। सो मिलवाता हूँ मैं आपको स्कूटर से। सो जो मैं बात कर रहा हूँ उस स्कूटर का नाम है सुजुकी एक्सेस 125 सीसी, जो कि मॉडल है 2022। ये जो कलर है शियान ब्लू कलर के अंदर ये स्कूटर आता है, जो है ये शाइनी कलर है। स्कूटर देख सकते हैं आप, मैं आपको ओवरऑल 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ स्कूटर कैसा है। बाकी पहले आप थोड़े बहुत देखो इसके सिनेमैटिक शॉट्स, देन इसके बारे में और इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सो चलते हैं फिर स्कूटर के पास और जानते हैं कुछ इसके फीचर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह है अपना सुजुकी एक्सेस 125 सीजी, मॉडल नंबर 2022। तो सामने से पहले बात करते हैं तो स्कूटर की, सामने आपको मिलते हैं एलईडी लाइट्स, जो कि ऊपर जो है 2 LEDs है आपकी लाइट के लिए एंड 1 LED दी गई है आपके डिपर के लिए। साथ में बात करें तो आपको इसकी बॉडी पे मिल जाते हैं इंडिकेटर, जिसके साथ यहाँ पे इंडिकेटर के साथ आपको DRL दिए गए हैं जो काफ़ी शाइनी लगते हैं। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, सो ये DRL इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है आपका मडगार्ड, जो कि मेटेलिक पार्ट का है, ठीक है। देन बात करते हैं तो इसकी साइड से, सो साइड पैनल जो है वो भी मेटल के हैं, आप देख सकते हैं। इंजन जो देखा जाए 125 सीसी का इसका इंजन है। बाकी अगर हम बैक साइड की बात करें रियर में, तो इसमें जो फ्यूल टैंक का ऑप्शन है वो हमें बैक साइड में दिया गया है। देन यहाँ पे दिया गया है पीछे अपना रियर लाइट, जो कि हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, पीछे अपने इंडिकेटर जो बॉडी पे है। और एक जो मेरे को इस स्कूटर की खासियत लगी ना, ये काफ़ी स्लिम है पीछे से, जो आपको कटिंग वगैरह में काफ़ी इजी रहता है। बाकी साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको फुटरेक्स, जो कि पिलियन के लिए होते हैं। फुटरेक्स की बात करूँ तो फुटरेक्स भी इसके काफ़ी अंदर है, जिससे पिलियन जब पीछे बैठता है तो पैर रखने में उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसका पैर ज़्यादा बाहर नहीं निकलता एज अ राइडर। बाकी साइलेंसर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साइलेंसर दिया गया है, साइलेंसर की नोट मैं आपको आगे सुनाता हूँ कैसी है। बाकी इसमें जो यूज़ किया गया है सुजुकी द्वारा SEP, सुजुकी इको परफॉर्मेंस का यूज़ किया गया है, सुजुकी का इंजन है। तो इसके साउंड नोट पे चलते हैं हम, ये हम स्विच ऑन करते हैं, देन आप साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं कितना रिफ्रेश इंजन है। बिल्कुल भी साइलेंट आवाज़ है बिल्कुल गाड़ी की, एकदम कोई हार्ड आवाज़ नहीं है ये देखिए। तो बाकी अगर इसके बात करूँ मैं आपको एक बार, इसका मैं डिक्की की कैपेसिटी दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ से इसका डिक्की का ओपन होता है, देन ये डिक्की ओपन। अगर अंदर से बात करें तो डिक्की का काफ़ी स्पेस है, आप एक हेलमेट इसके अंदर इजीली रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके अंदर इस टाइप का हेलमेट इजीली से स्टोर कर सकते हैं और फिर भी काफ़ी स्पेस बचता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाता है लेडीज़ फुटरेक्स, जो कि लेडीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी पे ही मोबाइल कवर, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग का, यहाँ से अपना एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अभी मैंने चार्जिंग अपना फ़ोन किया तो काफ़ी अच्छी स्पीड है, कोई लो नहीं है। बात करते हैं इसके पीछे फ्यूल टैंक की, तो 5.5 लीटर का इसके अंदर टैंक आ रहा है, जो काफ़ी अच्छी माइलेज देता है स्कूटर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। और जो इसका ग्राउंड लेवल है काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, इसका जो ग्राउंड लेवल है ना काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से गड्ढे वगैरह से इसे कोई परेशानी नहीं होती, ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती। टायरों का जो
क्वालिटी है वो तो अलग बात है, बट जो इसका टायरों का साइज है काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑफ रोडिंग में टायरों में कोई दिक्कत आती नहीं, और आप जब इस स्कूटर को चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है किसी हैवी सीसी के आप स्कूटर पे बैठे हुए हो, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। और स्कूटर के मुताबिक मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो मैंने एक्टिवा, माइस्ट्रो, जुपिटर एंड फैसिनो मेरे पास खुद के पास है, मैंने सब काफ़ी स्कूटर चला रखे हैं, बट इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अलग है, पिकअप काफ़ी अलग है, रेसिंग पावर काफ़ी अलग है, जो इसकी भागने की क्वालिटी है ना भाई, गजब है, मैं आपको क्या बताऊँ। सो बात करते हैं इसके मिरर्स की, तो यहाँ पे आपको दो मिरर्स मिले हैं, ये क्रोम क्वालिटी के मिरर्स है, क्योंकि ये जो एडिशन है ये लिमिटेड एडिशन है। सो इसके मीटर पे चलते हैं, मीटर पे बात करते हैं पहले, क्योंकि मीटर इसके अंदर काफ़ी जेन्युइन दिया गया है। आप मीटर की क्वालिटी देखोगे तो सच में आप लोग कहोगे भाई गजब। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ऑन किया, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको लाइटनिंग दिख गई, DRLs, ये कुछ नया दिया गया है सुजुकी की तरफ से इस वाली गाड़ी के अंदर, जो काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको हेडलाइट का स्विच मिल जाता है डिपर के लिए एंड अपना मेन लाइट के लिए, यहाँ मिल जाता है आपको इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ आपको यहाँ सिग्नल मिलता है, बाकी यहाँ से आपको ट्यूनिंग का भी एक ट्यून आती है जो इस स्कूटी में दिया गया है। यहाँ मिल जाता है आपको हॉर्न, जिसकी क्वालिटी कह नहीं सकते काफ़ी ख़ास है, क्योंकि मेरे को जुपिटर का हॉर्न ज़्यादा अच्छा लगा और मेरी जो फैसिनो है वो हॉर्न इससे ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ आपको इसमें एक ही स्विच दिया गया है, किल स्विच भी है यहाँ पे, और स्टार्ट इंजन का भी स्विच यहीं पे ही दे रखा है सुजुकी ने। देन अगर मीटर पे नज़र मारे तो यहाँ आपको मिल जाता है हेडलाइट का, ये हेडलाइट ऑन ऑफ का आपको दिखाता है। दूसरा यहाँ पे दे रखे है अपने इंडिकेटर के, इंडिकेशन के लाइट दे रखी है। तीसरा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट दे रखी है, मेरे ख्याल से ये होगी कोई एरर लाइट, जिससे अगर गाड़ी में कोई एरर होगा तो आपको वो नज़र आ जाएगा। चौथी यहाँ पे एनालॉग में दे रखी है, एक किलोमीटर की रेंज का एनालॉग की क्वालिटी का दे रखा है, जो काफ़ी शानदार लगता है। 10 से लेकर 110 तक इसकी रेसिंग पावर इसकी जो दिखाता है, कितने स्पीड से आप चला रहे हो। यहाँ पे मिल जाती है एक छोटी सी LCD जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है, यहाँ पे किलोमीटर रेंज, ट्रिप वगैरह, एंड आपको ऑयल के यहाँ पे जो है कुछ ब्लॉक्स टाइप में मिल जाते हैं, जिसको देख के आप अपने ऑयल की कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, तो काफ़ी बेस्ट लगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको कोई भी सामान वगैरह लगे जो आप यहाँ टांग सकते हो, आगे काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप कुछ भी इसलिए रख सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अपनी फैसिनो के अंदर यहाँ पे एक बिस्लरी भी नहीं रख पाता, बट इसके अंदर मैं 2 बिस्लरी रख के लिया था। अच्छा, हमको सिखा दिया है, तो दैट्स अ गुड। अब आप बोलोगे बिस्लरी किस लिए, सो कभी कभार इशू रहता है फैमिली के अंदर, तो बिस्लरी का काम इजी, माने कहने का मतलब ये है कि स्टोरेज बहुत अच्छी है स्कूटर के अंदर, क्वालिटी बहुत अच्छी है स्कूटर के अंदर। सो ये लिमिटेड एडिशन है जो मेरे किसी फ्रेंड द्वारा लिया गया है। सो बारी आ गई है भाई इसकी ड्राइव टेस्ट की, सो चलते हैं इसकी ड्राइव टेस्ट पे एंड देखते हैं कि कैसा स्कूटर है, क्या मज़ा है और क्या सज़ा है। तो फिर ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको स्कूटर पर जाके। तो आ गया हूँ मैं स्कूटर के ऊपर, सो देख सकते हैं स्कूटर कितने प्यारा लग रहा है यहाँ से। यार ये लाइट जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, इन द इवनिंग तो ये और अच्छी लगती होगी। तो यहाँ से करते हैं स्कूटर का टेस्ट और चलते हैं एक ड्राइव टेस्ट पर स्कूटर की। सो यहाँ से हमने दिया किल स्विच, भाई सुजुकी की हायाबुसा का छोटा पार्ट है ये, छोटा हायाबुसा। तो चलते हैं स्कूटर का टेस्ट लेने के लिए। सो ठीक है, रिफाइंड इंजन है यार, काफ़ी स्मूथ साउंड है, जैसे कि मैंने सुजुकी की पहले गिक्सर भी चलाई हुई है तो वैसे ही कुछ साउंड मेरे को सुनने का मौका मिल रहा है, वैसे कुछ आवाज़ मेरे को सुनने का मौका मिल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मिरर की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर का यार, मैं दोनों साइड से पीछे पूरा देख पा रहा हूँ, और जो लुक है मिरर की भाई काफ़ी जेन्युइन है, मैंने अभी तक किसी गाड़ी के अंदर ऐसी मिरर की लुक्स नहीं देखी। एक्टिवा की अगर बात करूँ तो यार पुराने क्वालिटी वाले ही मिरर यूज़ करता है, वो तो कुछ चेंज कर ही नहीं पा रहा, प्राइसिंग में ही बस वो इनहेंस हो जा रहा है। और इतनी हाइट है इस स्कूटर की कि आपको ज़्यादा पता नहीं लगता हाइट की, गड्ढा आया या नहीं आया, ज़्यादा आपको माने आइडिया नहीं होता, ज़्यादा स्कूटर आपका वाइब्रेट नहीं होता, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है स्कूटर के अंदर। स्पीड ब्रेकर काफ़ी ईजिली से निकल जाते हैं, देखिए आगे स्पीड ब्रेकर करते हैं पंच। सो ये देखिए हाइट बहुत अच्छी है स्कूटर की, अगर आप उस पर बैठ के देखते हो तो आपको लगता है यार कि एक जेन्युइन, अगर मैं बात करूँ तो मारुति वगैरह की जो छोटी गाड़ियाँ होती है उनकी हाइटिंग भी इससे नीचे होती है। सो एक ऊंचा एक आपको हाई क्वालिटी का फील होता है यहाँ से। तो चलते हैं मेन रोड टेस्ट पे लेकर इसे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा स्कूटर का, थोड़ा सा इसको हाइपर भी करेंगे स्कूटर को, पता लगेगा कि
हाइपर में कैसा है। अब मैंने एक चीज़ नोट की यार, ये जो एलईडी लाइट्स है अगर आप देख रहे हो तो ये चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्पीड हो रही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। तो चलते हैं फिर एक लाइट टेस्ट के लिए स्कूटर की। तो थोड़ा सा करते हैं इसे हाइपर। पिकअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ इंजन है, भागने में भी तेज है भाई, सुजुकी है भाई ये देखिए यार, इजी पंचिंग है, ब्रेक्स काफ़ी अच्छी है मेरे ख्याल से। इसमें पीछे आपको मिलती है वही ड्रम ब्रेक, आगे आपको दी गई है डिस्क ब्रेक, तो काफ़ी अच्छा है। मिरर का मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया काफ़ी अच्छा है। जो आपको कंट्रोल मीटर है इसका सारी आपको इंक्वायरी देता है, पर जो लाइट जो जल रही है ना यार, ये मेरे को काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो थोड़ा सा पंच करते हैं इसे, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्कूटर बनाया है सुजुकी ने। 125 जो इनका पहले था वो भी अच्छा था, बट ये लिमिटेड एडिशन है तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खूबियाँ हैं। आपको बिल्कुल भी स्कूटर की साउंड सुनने को नहीं मिलेगी आपके हेलमेट के अंदर। सत्तर 80-90 की अगर मैं बात करूँ तो भाई इजीली पहुँच जाता है। एवरेज की मैं बात करूँ तो मेरी जिसका स्कूटर है उनसे बात हुई है तो 45 से 50 किलो ने मेरे को एवरेज बताई है, क्योंकि वो ज़्यादातर सिटी राइड करते हैं, कभी लॉन्ग राइड नहीं करते, दूर कहीं लेके नहीं जाते, वो अपने घर के आसपास ही चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया है कि मेरे को 45 से 50 की एवरेज मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इतने हैवी इंजन के साथ 45 से 50 की एवरेज सुजुकी आपको ऑफर कर रहा है। बाकी कंपनी की बात करूँ तो कंपनी जो क्लेम करती है 55 किलोमीटर की एवरेज क्लेम करती है। तो अगर भागने की बात करो तो यार, तो रेस देते ही भाग रहा है, देख सकते हैं आप मीटर कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और एकदम लाइटली स्मूथली आपकी स्पीड जो है बढ़ती रहती है। 80-90 की तो इजीली कवर कर लेता है, बाकी इससे ज़्यादा का तो पता ही लगेगा भगाने के बाद, तो 100 भी पहुंच जाता है भाई। ये भाई साहब रोड प्रेफरेंस की बात करो तो स्कूटर की रोड प्रेफरेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऊंचा आपको फील कराता है। देखिए आप देख सकते हैं एकदम आपको लगता है कि आप काफ़ी हाई पे बैठे हो। इसकी जो टायर क्वालिटी है भाई साहब, स्लिप होने का बिल्कुल भी डर नहीं है इस स्कूटर के अंदर। मेरी जो प्रेफरेंस रहती है, अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सेस लो या तो अप्रीला लो। लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर, लिमिटेड पैसों के अंदर अगर आप कोई अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो सुजुकी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बारिश में भी आपको डर नहीं है और फ्लोटिंग भी आप इजीली कर सकते हो, रेत वगैरह में भी चला सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है स्कूटर जो है, क्योंकि मेरी राइड पे भी बंदे लेके आते हैं तो हम अपनी V3 पे होता हूँ आप लोगों को पता है तूफान के साथ, बट बंदे एक्सिस के साथ भी हमें टक्कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़। बाकी कोई भी स्कूटर हम अपनी राइड में अलाउड नहीं करते, एक्सिस का जो इंप्रेशन है काफ़ी अलग है हमारे ग्रुप के साथ। तो अगर आप चाहें तो आप लोग इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कूटर है, काफ़ी स्मूथ है, जो पार्ट्स है ईजिली आपको मिल जाते हैं। एक ब्रांड है सुजुकी जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, इंटरनेशनल ब्रांड है, काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहले मेरे पास भी गिक्सर थी सुजुकी की, काफ़ी अच्छी थी, बट कुछ चेंजेस चाहिए थे मुझे अपनी लाइफ में, देन मैंने उसे सेल करके तूफान को लिया। तो यहाँ से थोड़ा सा एकदम हाई स्पीड का मारेंगे, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं स्कूटर को, देन फिर देखते हैं कि क्या कितनी स्पीड तक हम इसे भगा सकते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने, तो ये भाई साहब भगाने वाला बंदा होना चाहिए, स्कूटर भागने वाला बिल्कुल है। मैं तो इजीली इसे 100 टच कर दूंगा, ये देखिए। तो कुछ मेरे ख्याल से 10 सेकंड के अंदर ये 100 टच कर लेता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, स्मूथ इंजन है। तो मेरे को ये स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा। अगर मेरी रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 10 में से 9.3 रेटिंग दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो है अप्रीला का ट्रायल नहीं लिया है। अप्रीला के बाद मैं क्लियर हो जाऊंगा कि कौन सा स्कूटर कितना बेस्ट है। बाकी अगर आप इस स्कूटर को लेने की सोच रहे हो तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जेंट्स के लिए भी अच्छा है, आप दोनों इसे कंबाइन करके चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड अगर बात की जाए इसके अंदर डिक्की के स्पेस की, तो वो भी काफ़ी आपको इजी मिलता है। आप एक हेलमेट के साथ कुछ चीज़ें भी रख सकते हो अपनी इजीली, बट जुपिटर के अंदर दो हेलमेट का स्पेस होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। सो गुड बाय गाइस।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय।